તનુશ્રી દત્તાએ ફરી એક વખત પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી નાના પાટેકર અને ગણેશ આચાર્ય પર આરોપ લગાવ્યા. સેક્સ્યુઅલ હેરેસમેન્ટ કેસમાં તનુશ્રી દત્તાએ નાના પાટેકર વિરુદ્ધ મુંબઈના ઓશીવાર પોલીસ સ્ટેશનમાં એફઆઈઆર નોંધાવી. તનુશ્રીએ કોરિયોગ્રાફર ગણેશ આચાર્ય, ફિલ્મ પ્રોડ્યુસર સામી સિદ્દીકી, ડિરેક્ટર રાકેશ સારંગ તથા મહારાષ્ટ્ર નવનિર્માણ સેનાના કાર્યકરો વિરુદ્ધ પણ ફરિયાદ કરી હતી. मेरे बोलने के बावजूद कि भैया ये क्या क्या कर रहा है, मुझे घूर रहा है, परेशान कर रहा है, आसपास चिपक रहा है, इसको हटाओ. नहीं, उसको नहीं हटाया. उसके ऊपर उसका गाना डाल दिया, उसके डांस स्टेप डाल दिए. तो परेशान वो मुझे कर रहे थे, क्योंकि अगर मैं उनको परेशान कर रही होती तो सिंटा को बहुत पहले फ़ोन गया होता. उन्होंने फ़ोन नहीं किया सिंटा को. मैंने हरासमेंट एपिसोड के बाद गाड़ी तोड़ फोड़ हो गई, जर्नलिस्ट इतनी मीडिया वहाँ पर जमा हो गई, बाकी के लोग जमा हो गए, मनसे और ये वो. अब ये बोल रहे मनसे के लोग नहीं थे, दुनिया को पता है कि नाना पाटेकर और मनसे के ताल्लुकात थे 2008 में. तो इसको ब्लू बना रहे हो, सबको पता ही है. ये जो चार आरोपित है ये केस के अंदर, नाना पाटेकर, सामी सिद्दीकी, राकेश सारंग और गणेश आचार्य, ये सारे आरोपी थे. नाना पाटेकर का ये फिल्म में रोल था, राकेश सारंग डायरेक्टर थे, सामी सिद्दीकी प्रोड्यूसर थे और गणेश आचार्य ये कोरियोग्राफर थे. ये सारे आरोपियों ने 2008 में तनुश्री जी के साथ जो गलत बात की थी, जो हरासमेंट किया जाता, सेक्सुअल हरासमेंट किया था, उसके बारे में वो जो पीड़ित थी 10 साल के बाद अभी उनको जो न्याय मिला, न्याय के कहीं पर जो आशंका हुई थी उसके बारे में उन्होंने हमने एफआईआर की थी. उस केस को पुलिस ने बी समरी यानी बी फाइनल करके कोर्ट में उसको पेश किया.